अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई मॉल में और ये है दुबई मॉल की फेमस रिंग। और ये है कैमल जो कि दुबई मॉल की खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा करते हैं और यहाँ पर लोग आकर अपनी सेल्फीज भी लेते हैं। मैंने भी यहाँ पर अपनी सेल्फी ली। और ये है फॉरएवर फ्लावर्स। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होते, तो ये कैसे हो सकता था कि इन्हें मैं अपने ब्लॉग में ला देती। और फ्लावर तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। दुबई मॉल की बात हो और एक्वेरियम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर हर तरह की फिशेस हैं और मुझे ये सारी फिशेस बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर तो एक फिश ऐसे लगता है जैसे फातिमा से बातें करने के लिए खड़ी हो, और यकीनन ये तो शायद खड़ी ही फातिमा के लिए थी। और फातिमा ने भी फिशेस को देखकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मुझे ये वाली फिश बहुत अच्छी लगी। और अब हम आ गए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। हमें फातिमा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मुझे तो ये सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि ये सारे ड्रेसेस मैं फातिमा के लिए बाय कर लूँ। और ये लाइट पर्पल कलर में चिकन का ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अब अगर एक एक ड्रेस में आपको दिखाने लग गई तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम आ गए हैं शूज़ की तरफ। हम देखते हैं फातिमा के लिए शूज़। ये सारे शूज़ भी बहुत ही प्यारे हैं, तो हमने फातिमा के लिए शूज़ बाय कर लिए हैं। दुबई मॉल घूमते हुए आप कभी भी बोर नहीं होते, चाहे पूरा दिन भी घूम लें। और ये है ज्वेलरी। ज्वेलरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेकअप तो यकीनन सब गर्ल्स का फेवरेट ही होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हैंडबैग्स। कौन सा हैंडबैग आपको ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ज्वेलरी की भी कुछ कलेक्शन रखी गई है। हैंडबैग्स की बात हो और सैंडल की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो गर्ल्स को कौन से सैंडल ज़्यादा पसंद होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ शूज़। ये वाले शूज़ तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और अब मैं आ गई जेंटल मॉन्स्टर देखने के लिए। जेंटल मॉन्स्टर बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, बच्चे इसको देखने के लिए आते हैं। और अब मेरा कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी पीने के लिए आ गई हूँ और मैंने कोल्ड कॉफ़ी ही ऑर्डर की है। और मैं अपनी कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझे बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बाहर का व्यू देखकर ही कॉफ़ी पीऊँगी और कॉफ़ी को इन्जॉय करूँगी।
इस खूबसूरत व्यू को देखकर कॉफ़ी को मैंने बहुत इन्जॉय किया और मेरा दिल चाह रहा है कि इस खूबसूरत व्यू को मैं इन्जॉय करती रहूं। मैं जहाँ कहीं भी चली जाऊँ इन खूबसूरत नज़ारों को हमेशा याद रखूँगी और इन्हें अपने फ़ोन में सेव रखूँगी बिल्कुल एक मेमोरी की तरह। और इस खूबसूरत व्यू को देखते हुए शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। दुबई मॉल की ब्यूटी तो आपने देखी ही, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी ड्रीमी वर्ल्ड में आ गए हों। सो यकीनन इस व्लॉग को तो आपने खूब ही इन्जॉय किया होगा और अगर इन्जॉय किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप दुबई आए और ये ब्यूटीफुल व्यू ना देखें ये तो मुमकिन ही नहीं। दुबई मॉल में तो मैंने इन्जॉय किया ही, बट उसके आउटसाइड व्यू को मैंने और ही ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ भी यहाँ से स्किप ना करूँ और सारी जगह अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ। तो यकीनन मेरी तरह आप सब ने भी इस व्यू को बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो खूब इन्जॉय किया। मैंने तो इस ड्रीमी प्लेस को बहुत इन्जॉय किया और मैंने इन खूबसूरत नज़ारों को अपने ब्रेन में ही नहीं बल्कि अपने फ़ोन की मेमोरी में भी सेव कर लिया। और मेरा दिल चाहता है कि मेरे व्यूवर्स भी इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। जब भी आप कभी दुबई विज़िट करें तो दुबई मॉल ज़रूर आएँ और इस आउटसाइड व्यू को भी टॉप से ज़रूर देखें। और अभी हम शेक्सपियर रेस्टोरेंट में एंटर हो चुके हैं। और
अब हम दोबारा दुबई मॉल की तरफ जा रहे हैं। हमें भूख लगी है तो हम KFC आ गए हैं। और दुबई मॉल में हम जुमाना खान से भी मिले, इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।